आज हम बात करेंगे पेपरलेस पेन के बारे में, जो कि अपना पेन एजेंसी में न्यू अपडेट आया है। पेपरलेस पेन दरअसल उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आएगा जो लोग की टाइम नहीं दे पा रहे हैं पैन कार्ड अप्लाई करने में। बस डॉक्यूमेंट आप कलेक्शन कर रहे हो कस्टमर से, लेकिन आपको अप्लाई करने में देरी हो रहा है, या फिर आप अप्लाई करते टाइम आप देख रहे हो कि UTI का सर्वर तो डाउन है, तो आप अप्लाई कैसे करोगे। तो उस कंडीशन में आप पेपरलेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर हम आपका ऑनलाइन करके दे देंगे। हमारा जो बैकएंड का टीम है, आप जो रिक्वेस्ट डालोगे यहाँ पर, वो रिक्वेस्ट हमारे पास चलाएगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड ईमेल में भी जाएगा, जैसे ही सेम प्रोसेस है, और घर में भी आएगा। सो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि पेपरलेस पेन को आप कैसे यूज़ कर पाओगे, और आप किसी का भी पैन कार्ड आप न्यू या फिर करेक्शन में कैसे पेपरलेस में डाल सकते हो। मैं इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना होगा अपना पैन एजेंसी। इसके लिए आप आएंगे गूगल में और आपको लिखना होगा अपना पैन एजेंसी। आपने इससे पहले आईडी नहीं लिया है तो आप यहां पर क्लिक करके सबसे पहले आपको आईडी लेना पड़ेगा। तो यहां पर आईडी लेने के लिए आप यहां पर क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करके, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करके पेमेंट में क्लिक करके आपको आईडी एक्टिव कर लेना होगा। एक बार आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में चला जाता है। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे पेपरलेस पेन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला जो है न्यू पैन कार्ड, मतलब किसी कस्टमर का, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, कोई भी एज का क्यों ना हो, अगर आपका न्यू पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, या फिर करेक्शन करना है तो नीचे वाले में क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे आप नॉर्मली पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लगता है, बस आपको वही इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट में यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताना चाहता हूँ कैसे आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। तो न्यू पैन कार्ड में क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअली रहेगा। इसके बाद उसके आधार कार्ड में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी लिखा है आपको डालना है। इन केस कोई कोई कस्टमर का ऐसा होता है कि कस्टमर का आधार कार्ड में सिर्फ नाम ही आता है, किसी किसी का लास्ट नेम या फिर सर नेम जो नहीं रहता है, उस केस में आपको क्या करना है, उसका जो नाम है आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी क्या है, लास्ट नेम। तो उसके आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम है तो आपको यहाँ पर डाल देना है, और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर को क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद नीचे फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालेंगे, जो कि आधार कार्ड में मेंशन है कस्टमर का। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का, जिसका पैन कार्ड आप बना रहे हो। इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर आधार है, यानी कि जो आधार कार्ड में कस्टमर का क्या नाम है, यहाँ पर आपको स्पेलिंग के साथ अच्छे से लिखना है। इसके बाद आपको पूरा एड्रेस लिखना होगा कस्टमर का, जो कि आधार कार्ड में मेंशन है, जैसे कि उनका कोई रूम नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर है, विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, सब डिवीज़न या फिर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, बाकी सारे एड्रेस को आप टाइप कर सकते हैं। बस आपको स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पिन कोड डालना है। पैन कार्ड टाइप में क्लिक करके आपको यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा वो नॉर्मल है या फिर माइनर है। अगर वो 18 साल का ऊपर का कोई बंदा है, कोई कस्टमर है, तो उसका नॉर्मल करेंगे, या फिर कोई कस्टमर ऐसा है जो कि 18 साल का नीचे का है तो आप यहाँ पर क्लिक करके माइनर में सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल करके छोटे बच्चों का फिल कर देंगे तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप माइनर करेंगे तो यहाँ पर एक दो कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर माइनर किए हैं तो सिटी की जगह आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल देना, नियरेस्ट कोई भी आपका टाउन है वो डाल दीजिए। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसेस, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कस्टमर अगर 18 एज के नीचे है तो उसका फादर नेम का डिटेल्स डालना होगा, क्योंकि वो माइनर है, क्योंकि वो छोटा है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस आपको डालना है, ताकि उसके एड्रेस में बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन आए। तो रिप्रेजेंटेटिव एसेस में आपको टाइटल में यहाँ पर क्लिक करके उनका फादर है तो फादर, नहीं तो मदर, या फिर कोई भी गार्जियन का आप डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कि उनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम लिखेंगे, और जो भी एड्रेस ऊपर लिखे थे सेम आप यहां पर लिखेंगे, कोई अदर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहां पर क्लिक करके आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे,
क्योंकि आधार कार्ड जो है आईडी प्रूफ होता है, और आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ भी होता है, और आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होता है। बाकी कोई अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आधार कार्ड ही आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी को 200 DPI में स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर को हम ऐसे कैसे करेंगे। 300 DPI तो कर देंगे, बस 213 पिक्सल में, या फिर जो सिग्नेचर है 600 DPI में, और 1024x680 पिक्सल में कैसे सेट करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक तोड़ है, आप यहाँ पर आएंगे डैशबोर्ड में, हमारे पोर्टल में ही सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्मार्ट क्रॉप टूल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक वो साइज में ही आ जाएगा। कैसे करना है, जैसे कि मैं अपलोड फ़ोटो में क्लिक करता हूँ, चूज़ फाइल में क्लिक करके जो भी फ़ोटो मेरे को अपलोड करना है यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ पहले। इसके बाद यहाँ पर जो भी विड्थ, पिक्सल है, हाइट है, सब कुछ आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डाउनलोड फ़ोटो में क्लिक कर देना। देखिए डाउनलोड हो गया। अभी आप यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। इसके बाद सिग्नेचर भी वैसे चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी सारा ऑटोमेटिक ही सेलेक्टेड है, बस डाउनलोड सिग्नेचर में क्लिक करेंगे। देखिए सिग्नेचर भी डाउनलोड हो गया। यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है। देखिए फ़ोटो भी पूरा इसके हिसाब से परफेक्टली मैच्ड है, और यहाँ पर सिग्नेचर भी देखेंगे तो सिग्नेचर भी इसके हिसाब से परफेक्टली क्रॉप हो गया है। आधार फ्रंट का और बैक का अपलोड करने के बाद फ़ोटो को अभी हमने जो क्रॉप किया है, यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर को भी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर पैन कार्ड मोड में क्लिक करके फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड में क्लिक करेंगे, ताकि आपका जो फिजिकल और ई पैन दोनों जगह आएगा, और जो भी एड्रेस डाले होंगे उसी एड्रेस में 7 से 8 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड फिजिकली डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये सारा कंप्लीट होने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट में, तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी हमारा जो बैकएंड का ऑफिस का जो टीम है वो आपका ये पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे, और ईमेल में भी आएगा और आपके घर में भी आएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी भी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।